sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Got to end it all on the weekend. Sorry that I feel that way sometimes. Hey guys, welcome to my channel 90s Kid Aman. कैसे हैं आप सब? तो आज का जो व्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है अपना DJI Mini 3 के बारे में. एंड DJI Mini 3 मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ. मैंने परचेज किया था ऑलमोस्ट 3 महीने पहले. तो गाइज इस व्लॉग में आपको बेसिकली मैं 3 मेजर पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ. मतलब DJI Mini 3 में एक जो मेजर इंपॉर्टेंट वो है इसमें आता है इनबिल्ट स्क्रीन वाला अपना RC कंट्रोलर. एंड DJI Mini 3 का एक जो बहुत ही बेहतरीन एडवांटेज है वो है आप इससे एक साथ लैंडस्केप शॉट एंड पोर्ट्रेट शॉट दोनों ही ले सकते हो. एंड जो थर्ड मेजर रीजन रहने वाला है वो रहने वाला है अपना DJI हमें ट्रैक कर सकता है. मतलब अगर मैं DJI को ऑन करता हूँ, फ्लाइट मोड में रहता है, हवर कर रहा है मेरा ड्रोन, तो क्या कर सकता है कि मैं एक ऑप्शन है उसे मैं सिलेक्ट कर दूंगा, तो मैं जहां तक जाऊंगा ड्रोन मेरे साथ साथ फॉलो करेगा. इसे बोलते हैं फॉलो मी का ऑप्शन. तो मैंने बहुत टाइम से यूज किया है तो मैं सोचा आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू वीडियो बनाया जाए ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि DJI Mini 3 आज के टाइम में कैसा क्या रहने वाला है. कोई भी अगर लेना चाहते हो, परचेस करने चाहते हो, कितना प्राइस रहने वाला है एंड कैसे क्या इसे यूज करते हैं वो सारा कुछ दिखाने वाला हूँ. तो गाइस देख लो, ये जो अपना बॉक्स है ये असल में ड्रोन का एक बैग की तरह आता है. इसमें क्या क्या रहता है मैं दिखा देता हूँ एक बार चेन से. तो इस बैग के अंदर रहता है अपना एक RC कंट्रोलर, DJI का 3 बैटरी रहता है जिसे फ्लाई मोर कॉम्बो किट भी बोलते हैं इस सेट को, एंड अपना जो है ड्रोन भी रहता है. ड्रोन कुछ इस तरह का पैकेजिंग करके रहता है, मतलब कॉम्पैक्ट तरीके से रहता है. एंड चलो इसको पहले खोलने के पहले अपना लेंस गार्ड, मतलब जो अपना गिम्बल गार्ड है उसे हटाना पड़ता है. एंड उसके बाद इस तरह से ऐसे करने से अपना ड्रोन रेडी हो जाएगा DJI Mini 3. एंड ड्रोन बैग के अंदर एक आपको जिप मिल जाने वाला है, चेन जिप. इसके साथ आपको मैनुअल मिल जाने वाला है DJI Mini 3 का. एंड इसमें 2 सेट प्रोपेलर्स मिल जाते हैं, मतलब आप 2 बारी फुल प्रोपेलर्स चेंज कर सकते हो. विथ एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाने वाला है जिससे आप कभी भी चाहो तो ड्रोन का जो प्रोपेलर है वो चेंज कर सकते हो. ये तो गाइस ये रहा DJI Mini 3 का अपना ड्रोन. एंड ये रहा उसका RC कंट्रोलर. इसके साथ इनबिल्ट स्क्रीन मिलता है, जैसे कि आप मिनी 2 या वगैरह में देखते थे पहले ओल्ड फैशन में, उसमें स्क्रीन नहीं आता था तो हमें मोबाइल अटैच करना पड़ता था, उससे बहुत दिक्कत आता था. तो अब हमें स्क्रीन डायरेक्टली मिल जाता है तो इससे हमारा यूसेज बहुत ईजी हो जाता है, बहुत हैंडलिंग ईजी हो जाता है एंड कनेक्टिविटी का पावर बढ़ता है. तो चलो स्टार्ट करते हैं, DJI को कैसे ऑन करते हैं वो दिखाते हैं. DJI को स्टार्ट करने का प्रोसेस ये है कि इस बटन को हमें 2 बार क्लिक करना है तो DJI स्टार्ट हो जाता है. एंड ये जो ब्लिंकिंग आप देख रहे हो 4 लाइट, ये बेसिकली इसका बैटरी पावर दिखाता है, कितना बैटरी बचा हुआ है. एंड ये है अपना DJI का रिमोट रोल है, इसमें आपका स्क्रीन इनबिल्ट आता है जैसे कि आप देख सकते हो. एंड ये पावर बटन है. एंड ये जो बटन है इससे आप नॉर्मल मोड, सिनेमैटिक मोड एंड स्पोर्ट्स मोड में कंट्रोल कर सकते हो ये बटन को शिफ्ट करके. एंड ये वाला होता है होम पॉइंट बटन, इसे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो होम पॉइंट सेट हो जाता है जहां पे भी DJI का अपना ड्रोन आपने सेट करके रखा है. जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो मैप है. एंड ये सैटेलाइट है, 17 का टावर दिखा रहा है. बेसिकली ड्रोन तभी टेक ऑफ होता है एटलीस्ट 12 या 11 जब सैटेलाइट्स कवर कर लेता है तभी ड्रोन टेक ऑफ होता है. एंड ये RC का टावर है जो कनेक्शन दिखाता है अपना रिमोट एंड DJI के ड्रोन से. तो नॉर्मल मोड पे है, अब हम सिनेमैटिक मोड करेंगे तो C मोड हो जाता है. एंड स्पोर्ट्स मोड करते हैं तो S मोड दिखाता है. स्पोर्ट मतलब हाई स्पीड मोड. तो हमें नॉर्मल मोड पे ही उड़ाना है इसे. एंड अब हम इसे गिम्बल की तरह उड़ाएंगे. जैसे कि अब देखो जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेक ऑफ का ऑप्शन आ जाता है. हम जैसे ही क्लिक करेंगे ड्रोन टेक ऑफ हो जाएगा. तो चलो पहले ड्रोन को टेस्ट करते हैं अच्छी जगह पे एंड फिर उड़ा करते हैं. थोड़ा ओपन एरिया आप शुरुआत में लो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब खुला एरिया रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिगिनर्स के लिए. एंड अगर आप प्रो हो तो आप कहीं भी उड़ा सकते हो, बेसिकली हाथ से भी रख के उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ड्रोन को फ्लाइट मोड में लाते हैं एंड टेक ऑफ कराते हैं, क्योंकि हमें परमिशन मिल चुका है, टेक ऑफ परमिटेड दिखा दिया है. तो जैसे ही हम टेक ऑफ का बटन क्लिक करते हैं ड्रोन स्टेडिली हवर करना शुरू कर देता है. उसके बाद हम कंट्रोलर से जैसा चाहे वैसा कंट्रोल कर सकते हैं. तो चलो अब ड्रोन व्यू का I'm trying to breathe.
तो गाइस हम ड्रोन को मैन्युअली भी टेक ऑफ करा सकते हैं। मैन्युअली टेक ऑफ कराने के लिए जो दोनों स्टिक है जॉयस्टिक को आपको क्रॉस करना है, होल्ड कर रखना है। देखो ड्रोन का प्रोपेलर चालू हो गया है एंड जैसे ही ये स्टार्ट होता है बस हमें लिफ्ट अप करना है अपना जॉयस्टिक को, अपना ड्रोन टेक ऑफ हो जाएगा। तो गाइस अब हमें ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड ये सेफ्टी मैनुअल खुल जाता है। इससे आप रिमोट का हाइट मेंटेन कर सकते हो, जैसे कि फ्लाइट प्रोटेक्शन। मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड मैंने 110 पे सेट कर रखा है, इसे आप मैक्सिमम 120 पे ले जा सकते हो अकॉर्डिंग टू सेफ्टी मैनुअल। अब मैं जनरली 110 ही रिकमेंड करूंगा आप जब भी उड़ाओ, क्योंकि 120 थोड़ा सा पुशिंग का लिमिट्स हो जाता है। एंड मैक्सिमम डिस्टेंस अभी प्रीलोडेड 2000 मीटर है, इसे आप इंक्रीज भी कर सकते हो। एंड कंपास कैलिब्रेशन वगैरह वगैरह यहाँ पे रहता है, बैटरी इन्फो सारा कुछ ऑप्शंस यहाँ पे रह जाएगा। एंड जो आपके लिए काम का चीज़ है वो ट्रांसमिशन पे अगर आप अर्बन एरियाज पे चला रहे हो ड्रोन तो आपको 5.8 गीगाहर्ट्ज़ पे चला सकते हो। वैसे जनरली ये डुअल बैंड पे सिलेक्टेड रहता है, आप 5.8 भी कर सकते हो। उससे क्या होता है, ये रिमोट अगर किसी एरिया में बहुत बिजी एरिया, बहुत सारा बिल्डिंग्स है, तो आप क्या कर सकते हो 5.8 पे करके इसका रेंज बढ़ा सकते हो, जो कि रेंज यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ये जो आरसी का जो एंटीना है मतलब टावर है, ये जितना वाइट रहेगा जितना ज़्यादा रहेगा उतना ड्रोन आपसे ज़्यादा कनेक्टेड रहेगा। एंड 2.4 में भी उड़ा सकते हो रूरल एरियाज में, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ पे नेचर ही नेचर है वहाँ पे आप आराम से उड़ा सकते हो, खुला मैदान पे समझ लो। एंड चलो अब ऐसे हम 115 मीटर पे करते हैं एंड टेक ऑफ करके दिखाते हैं। तो हम लोग ऑटोमेटिक मोड यूज़ करने वाले हैं, जस्ट इसे हम क्लिक कर देंगे एंड ड्रोन अपना टेक ऑफ कर जाएगा। गाइस आप देख सकते हो, आप मैं ऐसे पूरा 115 पे टच कराने वाला हूँ एंड जैसे ही ये टच कर जाता है वैसे एक आपको वार्निंग मैसेज भी मिल जाएगा। पकड़ के रखा है, एक आपको ड्रामेटिक शॉट दिखाता हूँ। मैं ड्रोन लेते लेते इसे छोड़ दूंगा, हवा में उड़ने लगेगा, देख लो। बच्चा तो यहाँ पे पूरा खेल के मजा ले रहा है। अब आपको ड्रोन का मैं बेस्ट फीचर दिखाने वाला हूँ। अगर आप चाहो तो ड्रोन को एक क्लिक करके लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड में शिफ्ट कर सकते हो। तो वो इस बटन से पॉसिबल होता है, C2 बटन एंड C1 बटन से आप ड्रोन का जो कैमरा एंगल है वो पूरा वर्टिकल चेंज कर सकते हो। एंड जब भी आपको मन है आप क्लिक करोगे, एक क्लिक से आप उसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हो। तो गाइज अब चलो मैं आपको बहुत ही एक मेजर इम्पॉर्टेंट फीचर दिखाने वाला हूँ, वो है फॉलो मी का ऑप्शन। तो गाइज चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ इस ड्रोन का जो फीचर्स है, मतलब कैमरा फीचर्स। कैमरा में आपको मिल जाने वाला है एक वीडियो मोड, एक क्विक शॉट मोड, एक पैनोरामा मोड मिल जाता है एंड एक मिल जाता है आपको फोटो मोड। फोटो मोड में हम सिंगल शॉट्स भी ले सकते हैं, मल्टीपल शॉट्स भी ले सकते हैं एंड टाइम शॉट मतलब टाइम लैप्स वाला शॉट। एंड टाइम शॉट मतलब हम लोग क्लिक कर टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं एंड अब क्विक शॉट में हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसका जो फॉलो मी वाला ऑप्शन वो कैसे एनेबल करना है। क्विक शॉट एनेबल करने के लिए हमें ड्रोन को पहले फ्लाइट मोड में ला, उसके लिए पहले हमें टेक ऑफ कराना होगा। तो हम ऑटोमेटिक मोड से टेक ऑफ कराने वाले हैं, तो हमारा ड्रोन टेक ऑफ हो चुका है। तो गाइस चलो मैं आपको अब दिखाता हूँ ड्रोन का जो फॉलो मी वाला ऑप्शन, देख लो। अगर मैं लेफ्ट लेफ्ट जाऊँगा तो जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ वहाँ ड्रोन मेरे को फॉलो कर रहा है। Shh.
तो गाइस मैंने आपको दिखाया ओवरव्यू थोड़ा बहुत कैसे ड्रोन उड़ाते हैं। बेसिकली DJI मिनी 3 इजी टू हैंडल है क्योंकि ड्रोन में ही स्क्रीन रहता है तो उसके लिए और इजी हो जाता है। बाकी आपको रील शॉट या लैंडस्केप शॉट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। एंड बहुत इजी टू हैंडल है, ऐसे क्रैश वैस तो अभी तक हुआ नहीं सही से, लेकिन क्रैश भी होता है तो सुना हूँ कि रिपेयर हो जाता है, जनरली मेट्रो गली में ही हो जाता है एंड और भी सारे बहुत सारे शॉप्स अपने कोलकाता में। तो ऐसा कुछ रहा सीन ड्रोन का, कैसा क्या लगा वीडियो जरूर से कमेंट करना, लाइक करना एंड शेयर करना। तब तक के लिए राइड हार्ड लिव फ्री, बाय बाय गाइस।